वाटर जो है और अगर जमीन के दस हिस्से किए जाए तो कितने हिस्से पे पानी है सात हिस्से पे पानी है तीन हिस्से खुशक है और पानी ओशन वाटर क्या है फ्रेश वाटर क्या है साल्ट वाटर क्या है वो प्योर वाटर क्या है एमप्योर वाटर क्या है एग्रीकल्चर ये सारा कुछ हमने पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रेन वाटर है वो प्योर होता है उसके बाद वो ग्राउंड के साथ जब मिल जाता है ग्राउंड वाटर के साथ तो वो थोड़ा सा ग्राउंड वाटर नहीं मतलब जब ज़मीन के साथ वो लगता है तो ज़मीन के साथ जो भी गंदगी उसकी ज़मीन पे होती है वो उसके साथ मिल जाती है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज तो लेकिन फिर वो जब नीचे ज़मीन में जाता है ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं जब हम वेल बनाते हैं कँ बनाते हैं फिर वहाँ से वाटर निकालते हैं जो ऊपर का पानी नीचे जाता है ये बहुत सारे हम बोलेंगे कि ज़मीन के जो सॉयल बैड होता है सैंड बैड होता है रॉक बैड होता है इसमें से नीचे तक पहुंचता है तो इसको एक नेचुरल फ़िल्ट्रेशन हो जाती है और जब ये वेल वाटर हम निकालते हैं तो ये साफ होता है लेकिन कुछ डिजॉल्वड सॉल्ट्स इसमें होते हैं अब जब हम वेल well वाटर निकालेंगे या कोई भी किसी भी नेचुरल सोर्स से हम वाटर निकालते हैं तो प्यारे बच्चों ये पानी इम्प्योर होता है क्योंकि इसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है सारा पानी एक तरीके का इंप्योर नहीं होता है किसी में मतलब जगह के हिसाब से ही होता है जैसे अगर हम एक जगह कंवर खोदेंगे उसमें कोई सॉल्ट होगा दूसरी जगह खोदेंगे उसमें डिफरेंट सॉल्ट डिज़ाल्वड सॉल्ट होगा उसमें एक तरह की इम्प्योरिटीज़ होगी इसमें रिवर वाटर में सस्पेंडेड इंप्योरिटीज़ होती है फिर डिजॉल्वड इंप्योरिटीज़ होती है फिर जर्म्स होती है तो फिर हमें जहाँ से भी जिस सोरस से भी टैप से मिले वेल से मिले रिवर से मिले जो भी पानी हमें मिले उसकी एम्प्रिटीज किन करने के लिए या जो सस्पेंड होती है वो सीडमेंट करने के लिए हमें फिल्ट्रेशन करते हैं तो हम डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल जर्मस एंड बैक्टीरिया को उसके लिए हम सस्पेंड एम्प्रोटीज के लिए सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन करते हैं बाद में हम जर्मस के लिए क्लोरिनेशन और एरेशन करते हैं तो क्लोरिनेशन हमने पढ़ा अब हम पढ़ेंगे एरेशन ठीक है बच्चों तो लेट्स बिगिन Aeration the tank containing filtered water is treated with air under pressure the organic matter reacts with the oxygen present in the air is made harmless this process is known as aeration aeration also kills harmful germs thus purified water reaches the homes through the municipal water supply system we get this water through tap the tap water can be made still safer to drink by boiling Boiling kills the germs. During the monsoon, water is generally contaminated with harmful germs, so boiled water is safe for drinking. Hence, drinking the monsoon drinking water must be. during the monsoon, drinking water must be boiled. If water is boiled for twenty to fifteen, all harmful germs in the water are killed, and water becomes potable. By such water after boiling should be well stored. If dirty fingers or dirty utensils are dipped in such boiling water, it will be contaminated again. तो बच्चों जो हम क्लोरिनेशन पढ़ा उसकी सारी प्रोसेस हमने पढ़ी कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर पोटेशियम पर मैगनेट ऐड करके जम उसको किल किया जा सकता है या क्लोरीन गैस लेकिन बाद में एरेशन एरेशन में है जिस टैंक में पानी होता है इसको ट्रीट किया जाता है विद एयर अंडर प्रेशर ठीक है जो भी ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन के साथ न, मतलब न, थोड़ा सा रिएक्ट करता है ये हार्मलेस इसको बनाता है ठीक है ये जो मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो भी इसमें होता है वो ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन करता है और उसको होमलेस बना इस प्रोसेस को हम एरिएशन बोलते हैं एरिएशन हमें हेल्प करता है जर्मस को किल करने में भी तो फिर इस तरह हमारा वाटर जो है वो प्योर हो जाता है प्योरीफाफाई हो जाता है या जो म्यूनसिपल वाटर हमारे घर तक पहुँचता है उसमें भी ये सब प्रोसेस किए जाते हैं एरिएशन क्लोरीनेशन एट्सट्रा तो आ, द टैप वाटर कैन बी मेड सिटल सेफर टू ड्रिंक बाई बॉयलिंग बॉयलिंग किल्स द जर्म ये हमने पढ़ा अब बच्चों जो ये टैप वाटर होता है मूनसून जब होता है तो उस वक्त मूनसून में जब बारिश बरसती है ऊपर से तो इसमें ज़्यादा मतलब जो ये टैप वाटर ये भी डिस्टर्ब हो जाता है तो उस टाइम हमें मतलब मॉइस्चर होता है नमी होती है इन्वरानमेंट में एयर में नमी होती है उस वक्त जर्म्स थोड़े से ज़्यादा फैलते हैं और आपने देखा होगा उस वक्त मतलब जब नमी होती है सनलाइट नहीं होती है सनलाइट की वजह से बहुत सारे जर्म जो किल होते हैं मॉइस्चर हर जगह होता है पानी जमा हुआ होता है किसी स्टैगनेंट वाटर कहीं कुछ रुका हुआ होता है मॉस्किटो ज़्यादा फैलते हैं जर्म ज़्यादा फैलते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा जुकाम खांसी बुखार ये मतलब टाइफाइड टाइप टायफ, वाटर वाटरबॉन्ड डिजीज जो होती है ये ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त हमें बॉयल करके पानी पीना चाहिए ज़्यादा अगर हम ऐसे नॉर्मली नहीं भी पीते हैं तो उस वक्त हमें पीना चाहिए उस मौसम में उस सीजन में तो बॉयल हमें कैसे पानी करना है हमें ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट बॉयल करना है नॉर्मल गैस की इस पर अगर हमें कोई हाई गैस हो या ज़्यादा मतलब जो हीटिंग जो फ्यूल है वो ज़्यादा आँच उसमें तेज है तो हमें देखना चाहिए बॉयल आ रहा है वाटर में जब पूरा बॉयल हो जाए तो फिर उसको उतारना है लेकिन जब बॉइलिंग वाटर हम फिर कंटेमनेट करते हैं जैसे कोई उंगली उसमें डालता है या गिलास उसमें हम डालते हैं फिर या जो भी चीज़ वो बॉयल तो नहीं होता है उसमें ऑलरेडी जर्म्स लगे हुए होते हैं क्योंकि वो हम उसी टाइप वाटर से धोते हैं जिसको हमने बॉयल किया है जो नॉर्म बॉयल्ड नहीं था अनबॉयड था उसी से फिर हमने जिसको बॉयल्ड किया उसमें तो जर्मस नहीं है लेकिन जिससे हमने उसको वॉश किया गिलास को नॉर्मल वाटर से उसमें जर्मज फिर लगे होते हैं तो उसकी वजह से ये वाटर भी फिर कंटेमनेट हो जाता है तो वाटर इस प्रश अब आपको अब प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि वाटर कितना जरूरी है दुनिया में हर चीज के लिए इरिगेशन के लिए ड्रिंकिंग के लिए वॉशिंग के लिए बैथिंग के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ जो इस चैप्टर का नाम भी है वो सेफ हम कैसे बना सकते हैं पहले जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो नेचुरली सेफ़ ही होता है लेकिन फिर जब इसको कंटेमिनेशन हुआ जो जो पॉपुलेशन बढ़ती गई वर्ल्ड में फिर ये कंटैमिनेट होता गया सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पानी है वर्ल्ड में उसका ओनली एक परसेंट फ्रेश है बाकी है ओशनज़ में वो सॉल्ट वाटर है उसमें एक तो सॉल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है उसमें उसको जितना हम फिल्ट्रेशन के लिए मतलब जितनी फिल्ट्रेशन उसको हम करेंगे वो बहुत ही एक एक्सपेंसिव है और दूसरा उसमें से तो मतलब उसमें पोलूशन भी बहुत होता है क्योंकि आपको पता है सारी दुनिया की गंदगी जो है वो इन ओशनज़ में ही वैसपिक ओशन बाकी ओशनज़ में ही जमा हो जाती है तो लेकिन अब हमें जो आ, मतलब फ्रेश वाटर है वो वन परसेंट है दुनिया में ऑलरेडी जो वाटर है दुनिया में बहुत ज़्यादा लेकिन जो फ्रेश है वो बहुत कम है फिर हम इसमें से भी हमें सेफ़ वाटर ढूंढना है फ्रेश वाटर जरूरी नहीं है कि सेफ वाटर हो फ्रेश विदाउट सॉल्ट होता है ये पोर्टेबल होता है ये ड्रंक कर सकते हैं हम इसको हम बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सक इरीगेशन के लिए या कुकिंग के लिए लेकिन बट ये भी कंटेमेट हो गया है कैटल होते हैं कैटल मीनज मवेशी ठीक है जानवर दोते हैं हम रिवर्स में या हम नहीं दोते हैं दूसरे लोग धोते हैं प्लास्टिक हम फेंकते हैं रिवर्स में यूज़ कर स, करते हैं पोलूट चीज़ें जो भी हमारे घर से गंदगी निकलती है बहुत सारे लोग उसको डालते हैं लाइक फ्रेश वाटर सोर्सेज जो है पहाड़ में लेक में रिवर में वैल्स में तो ऐसे ये कंटेमनेट हम ही करते हैं तो डियर चिल्ड्रन हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि जो हम मतलब हमारी ज़मीन पे जो पानी है ये ऑलरेडी बहुत कम है फिर जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वो तो आज मिलता नहीं है ऐसे तो हमें जब हमारे घरों में जो पानी आता है टैब से हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि कम से कम हम जो पानी पिए वो सेफ हो वो कंटेमनेटेड नहीं हो तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है एक हम फिल्टर्स लगाते हैं घर में तो वो कितना फ़िल्टर हाई टेक क्वालिटी का है हाई टेक फिल्टर है उतना उसमें पानी अच्छा निकलेगा और बाद में हमें ये भी देखना है कि हर किसी के घर में फ़िल्टर नहीं होता है तो हमें इसको ये चीज़ करनी है पहले जब पानी आए उसको थोड़ा सा टाइम देना है नीचे जो ऊपर जो गंदगी होती है या उसमें हम अलम डाल सकते हैं अलम मैंने आपको बोला वो फटकर को कहते हैं बहुत कम क्वांटिटी में लेकिन ध्यान रखना है कि हम मतलब बहुत सारा साराअलम डालेंगे तो उससे वो फिर अनसेफ हो जाएगा कम डालना है तो उसकी वजह से सेमेशन हो जाएगी ये जो पार्टिकल्स हैं ये बड़े बड़े मतलब सस्पेंड पार्टिकल जो होते हैं वाटर में वो नीचे सेटल हो जाएंगे या कभी डस्ट कभी मिट्टी कुछ भी होता है सैंड पार्टिकल्स वो भी वैसे भी अगर हम उसको टाइम देंगे थोड़ा सा किसी बड़े बर्तन में रखेंगे थोड़ा ऊपर ऊपर से हम इसको दूसरे बोतल में ट्रांसफ़र करेंगे फिर है क्लोरिनेशन एरेशन ये हम घर पर नहीं दे सकते अगर फ़िल्टर है तो उसमें से खुद ये प्रोसेस होती है लेकिन हम घर पे फटकरी डाल सकते उसके बाद हम बॉइल कर सकते ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स तो उसके बाद हम वो पी सकते हैं वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है तो वाटर इज प्रशस वी मस्ट नॉट वेस्ट इट और सेकंड थिंग बच्चों हमें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पानी ये बहुत ही प्रशेस है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ख़ास चीज़ है हमें पानी को बचाना चाहिए चाहे फिर वो ड्रिंकिंग वाटर ना भी हो लाइक like, वाशरूम में पानी आता है मतलब नल से हम वाशरूम को ज़्यादा देर खुला नहीं रखेंगे ब्रश करेंगे तो उस वक्त टैप जो है बंद रखेंगे तो बर्तन धोएंगे तो नल आधा ही खुला रखेंगे ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं लाइक वाइल्ड टेकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग वो शुड ओनली जस्ट ट ऑनली जस्ट एन एफ वाटर मतलब जब हम पानी पीते हैं लाइक हम एक गिलास निकालते हैं अगर वो बॉयलड भी हो पीते हम आधा आधा फेंक देते हैं ऐसा हमें करना नहीं चाहिए वो शुड मेरा यूज अ वाटर वॉय टेकिंग बाथर वॉशिंग क्लोस हमें जब हम जब नहाते हैं कपड़े धोते हैं उस वक्त भी हमें ऐसे पानी मतलब यूज़ करना चाहिए कि जितना नीड हो ये नहीं कि हम मतलब पानी बहाए बहाते रहें वाटर टैप शुड बी क्लोज इमीजियट आफ्टर यूज़ और जब हम पानी मतलब हमें नहाना है ब्रश करना है मुंह धोना है या कोई काम करना है तो उस वक्त हमें टैप फिर जल्दी बंद करना ऐसे नहीं कि वो चलता रहे और हम मतलब वहाँ दूसरी दूसरे काम करते रहे फिर हम गेट धोए फिर हम लॉन धोए फिर हम ये करें फिर हम वो करें टैप वाटर से ये गुना है और एक तो ये गुना भी है एंड सेकेंड थिंग ये एक बैड हैबिट है थर्ड थिंग ये ह्यूमिनिटी के लिए भी गलत है क्योंकि इंसान ऐसे नहीं करना चाहिए जो दूसरे कल मतलब हम सोचेंगे कि हमारे घर में पानी आता है तो हम इसको जितना चाहे यूज़ करें कैसे भी करें यूज़ करें दिन भर बहाएँ बट इंसान को सोचना चाहिए कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए या बाकी लोगों के लिए बाकी विलेज़स होते हैं बाकी सिटीज़ होती है बाकी स्टेट्स होते हैं बाकी कंट्रीज़ होते हैं उनमें पानी नहीं होता है अब अब सोचेंगे अगर हम सेव करेंगे दूसरों तक कैसे पहुँचेंगे तो ये पहुँचता है जितना हम सेव करेंगे वो चीज़ें रहती है वो रिजर्व रहती है और किसी न किसी तरीक़े से वो दूसरे तक पहुँच जाती है तो बच्चों थैंक्स आज हमने ये कम्प्लीट किया ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर चैप्टर ये बड़ा चैप्टर था अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं तो उसके बाद हैं क्वेश्चन इसके ये हमें डिस्कस करने हैं वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस ऑन अर्थ वाटर बिकम्स इम्प्योर इन मैनी वेज़ तो वाटर जो है ये भी हमने पढ़ा कि इम्पॉर्टेंट सोर्स इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, है ज़मीन पे ठीक है जैसे हवा है हवा कितनी ज़रूरी है वह हवा बंद हो जाएगी तो सब मर जाएंगे जो ऑक्सीजन है इसकी इम्पॉर्टेंस सबको पता है और ऐसे ही वाटर है वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर ये कभी किसी को नहीं मिलेगा एक दिन दो दिन तो उसको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके सारे काम रुक जाएंगे वाटर बिकम्स इम्प्योर इन मैनी वेज वाटर बहुत सारे तरीक़ों से इम्प्योर हो जाता है वाटर टैंक्स एंड लैक्स मेड इम्प्योर बाई वॉशिंग क्लोथ्स बाथिंग बाथरिंग क्लिनिंगस एंड वाशिंग ये हमने डिस्कस किया तो प्यारे बच्चों जो पानी होता है ये इम्प्योर हो जाता है टैंक्स में लेक्स में या बाकी चीज़ों में कैसे जब हम कपड़े धोते हैं तो उसका वो जाग वाला पानी वा, वहीं पर रिवर में फेंकते हैं या नहाते हैं या कपड़े धोते हैं बर्तन धोते हैं मवेशियों को धोते हैं जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास तो पेट एनिमल्स उनको दो, दोते हैं गाय बेल बकरी एट्सट्रा तो ये ऐसे इम्प्योर हो जाता है ठीक है या लेक्स में ही मतलब कोई लैक में ही इनको एनिमल्स को ले जाता है वहाँ किनारे रखता है वहाँ उनको धोता है उसकी गंदगी वापस उसी में चली जाती है मतलब बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे पानी गंदा होता है आपको खुद भी पता होगा लेकिन मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है पहले हम गौर नहीं करते हैं पता होता है हमें बट हमें गौर करना है कि ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और दूसरों को भी नहीं करनी देनी चाहिए मैनी सब स्टेंस इन वाटर एंड मेकिंग कुछ चीज़ें नेचुरली जैसे स्टोन स्टोन होती है सैंड होता है या जंगल से पानी आता है फिर तो बारिश के साथ उसमें से बहुत सारी गंदगी आती है कई एनिमल्स मर गए होते हैं उनकी चीज़ें आती हैं वो खुद मरे हुए एनिमल्स आते हैं तो ये सारे जो रिवर्स में बहते रहते हैं इसकी वजह से इम्प्योर हो जाता है तो विच वी, वाटर विच हैज बिकम इम्प्योर बिकॉज ऑफ डिजीज़ कॉजिंग जर्मस केमिकल्स केमिकल डिकिंग मैटर इज़ कॉल्ड कंटेमनेटरी वाटर तो बच्चों जो पानी किसी भी वजह से जर्म्स की वजह से वो जर्म्स जो मतलब कुछ जर्म्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं कुछ सॉल्ट हमारे लिए अच्छे भी होते हैं लेकिन वो जो जो बीमारियाँ फैलाते हैं या जहरीले जो गैसेस होते हैं या केमिकल्स होते हैं या डिकिंग जो खराब हुए होते हैं चीज़ें एनिमल्स पत्ते वत्ते ये सारे जब पानी के साथ मिलते तो ये इसको खराब बनाते हैं या मॉस्िटोज़ मैनी हार्मफुल जर्म्स ब्रीड इन सी वाटर अब है जो मॉस्किटोज़ होते हैं मच्छर होते हैं या कुछ हार्मफुल केमिकल्स ये जम्स होते हैं या वो होते हैं कुछ इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारी चीज़ ये मतलब पनपते हैं कहाँ पे जो स्टैगनेंट वाटर रुका हुआ पानी होता है तो उस पर वो एग्स डालते हैं फिर वो ब्रीडिंग करते हैं उसमें तो ऐसे भी वाटर ख़राब हो जाता है सी वाटर इज़ द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर समुंदर का पानी जो है वो सबसे गंदा पानी है सबसे इमप्योर फॉर्म ऑफ वाटर है दी आपको मैंने बोला कि उसमें जो जो भी होता है गारबेज होता है फैक्ट्रीज का वो एफलेंट होता है बाकी चीज़ें होती है वो सारा समुद्र में चला जाता है द रिजरवियर ऑफ वाटर दैट कोलेक्ट्स ओवर द हॉट रॉक इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर तो पानी का रिजर्वियर जो हार्ड रॉक है ज़मीन के नीचे उसके थोड़ा ऊपर जो होता है तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर जैसे वेल वाटर अंडरग्राउंड वाटर मे बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर तो अंडरग्राउंड जो पानी है ये हम पानी पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एग्रीकल्चर यूज़ करें प्लांट्स के लिए भी इट्स एसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर यूज़ और पानी ज़रूरी है प्योर बनाना प्योरीफाई करना थोड़ा सा तो यूज़ कर मतलब करने से पहले जैसे हम खुद यूज करते हैं पानी तो उसको हमें प्योरीफाई करना है कितना प्योरीफाई करना है जितना वो कंटेमनेट होगा किसी को कम जरूरत पड़ेगा किसी को ज़्यादा वाटर इज़ प्योरीफाइड बाई फिल्ट्रेशन बॉयलिंग और बाय पासिंग क्लोरिन थ्रू इट और बाई एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम पर मैगनेट टू इट और पानी को कैसे प्योरफ किया जा सकता है सबसे पहले आपको याद रखना है फिल्ट्रेशन जब हमने पढ़ा उसके बाद बॉयलिंग अगर बॉयिंग नहीं कर सकते हो तो क्लोरीन गैस इसके बीच से मतलब थ्रू इसके पास करना है इससे भी जर्मस मर जाएंगे और पै एडिंग ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम पर मैगनीट टू इट तो, तो यहाँ ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम पर इसको यूज उसके बाद है क्वेश्चन ये मैं ग्रुप में डालूंगी या असाइनमेंट में एल एम एस पे अपलोड करूँगी तो थैंक्स आज मैंने कम्प्लीट किया